तो बेसिकली लाइफ में दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। कौन कौन से दो दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, कोई किसी गेस कर सकते हैं आप लोग? राइट, इंशाल्लाह आफ्टर 3 डेज ऑन 8 दिसंबर। तो यहाँ पर आप देखें कि रिस्पॉन्स किस तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी आए, शोहर और बीवी को ले लीजिए या माँ बेटा और वालिद को ले लीजिए, स्पेशली बेटा और वालिद को ले लीजिए। वालिद वालिद जो है ना, बेटे की कुछ हरकत से बहुत ज़्यादा खफा है, गुस्से में, और जो है ना फुल कह रहे हैं कि तुम मेरे को पूरा ह्यूमिलेट कर दिया, तुम मुझे परेशान करके रखे, मैं जो काम करता हूँ तुम करते नहीं, और फुल गुस्से में है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं वालिद साहब, वालिद साहब आपको कह रहे हैं कि फलां फलां काम कीजिए, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो बेटा कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वालिद साहब गुस्से में है, और स्पेशली जब शादी हो जाती है बेटे की और वो अलग से किसी घर में रहता है और वालिद साहब किसी और घर में है, तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप का तनाज़ा होता है, एक दूसरे से दूरी होती है, उसमें वालिद साहब का अप्रोच और बेटे का अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस तरह की सिचुएशन में आप देखिए किस तरह से महसूस होता है कि वो ह्यूमिलेट कर रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा परेशान तबाह कर रहा है। ये जो कैफियत होती है, इसमें बेसिकली दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं लाइफ में। वो दो तरह के रिस्पॉन्स क्या है, एक लविंग रिस्पॉन्स है, एक क्राइंग फॉर हेल्प रिस्पॉन्स है। ये दो ही रिस्पॉन्स होते हैं लाइफ में, कोई और रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। लव का रिस्पॉन्स, क्राइंग फॉर हेल्प का रिस्पॉन्स। अब बताइए कि बाप और बेटे के दरमियान में ये जो फाइटिंग चल रही है, या शोहर और बीवी के दरमियान में रंजिश चल रही है, तो किसका क्या किस तरह का रिस्पॉन्स है उनका? लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए आप क्या रिस्पॉन्स है उनका। पैशनेट एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। ओके ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन ये है असल में उसका, जो अगर आप ये एसेंस लेंगे, लविंग रिस्पॉन्स और क्राइंग फॉर हेल्प रिस्पॉन्स। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी गुस्से में है, तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, मेरे इस इमोशन से मुझे बाहर निकालने में मदद कीजिए। एक आदमी फियरफुल सिचुएशन में है, तो बेसिकली ही इज क्राइंग फॉर हेल्प कि मुझे इस सिचुएशन में निकाल दीजिए। अब क्या होता है, हम कॉन्फ्रंटेशन में चले जाते हैं, फाइट करते हैं। वो क्या कर रहा है सामने वाला, मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, वो उससे बोल रहा है, और सामने वाला क्या कर रहा है, कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, उन भी क्राइंग फॉर हेल्प कर रहा है, और उसके बाद इधर के बाद उन भी हा कर रहा है, उन भी हा कर रहा है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, बोथ ऑफ देम आर क्राइंग। अगर आप कहेंगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मीठे अंदाज में आपने बात, आप उसने कहा कि किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किस तरह से आप हेल्प कर सकता हूँ, वो प्लीज बताइए, मैं चलो हम दोनों मिलकर के सेटल डाउन करेंगे इस इशू को, क्राइंग फॉर हेल्प। उसका फिर आपने कहा चलिए कोई मसला नहीं, मैं मानता हूँ मैं अपनी गलती को, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर आप जरा से और अच्छी बात कीजिए, हाँ ठीक है ये बात है मेरी, तुम्हारे तुम बहुत दिनों से मुझे पैसा नहीं दे रहे, मेरी लाइफ में जो है बहुत से मुश्किल आ रहे हैं फलां हैं। तो आप देखेंगे कि आप जब अपनी टोनालिटी को चेंज करते हैं, लविंग रेस्पॉन्स की तरफ आप बढ़ते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्राइंग रेस्पॉन्स लविंग रेस्पॉन्स में तब्दील हो जाता है। और आप देखिए कि ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, यस एग्जैक्टली सिराजुल हसन साहब, के एंगर या किसी तरह का नेगेटिव इमोशंस को ले लीजिए, बेसिकली ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। लविंग रेस्पॉन्स या क्राइंग फॉर हेल्प रेस्पॉन्स, ये दो ही तरह के रेस्पॉन्स लाइफ में होते हैं। आप पूरी लाइफ का जायजा लेकर के देखिए, आपको हर आदमी या तो क्राई कर रहा है हेल्प के लिए, या फिर वो लव देने के लिए, गिविंग की तरफ है रेस्पॉन्स उसका, जिसे हम पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर अल्फाज ये हैं जो हमें होना चाहिए।